नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा धारा 370 हटाने के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जबरदस्त समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है जहां पर बिहार में दो दिन पहले बंद बुलाकर तमाम जगह पर तोड़फोड़ करने वाले आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है, जहां पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा 27 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। हम आपको बता दें कि पटना के डाक बंगला चौराहे पर हंगामा, यातायात बाधित करने के मामले को लेकर तेजस्वी यादव समेत 27 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने के अंदर FIR दर्ज कराई गई है और जल्द ही इन सभी लोगों की गिरफ्तारी को लेकर मांग की गई है। हम आपको बता दें कि RJD ने 21 दिसंबर को बिहार के अंदर बंद बुलाया था और कई जगह पर गुंडई करते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर RJD के कार्यकर्ताओं ने कई जगह तोड़फोड़ भी किया था और ऐसे मामले को ही लेकर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव समेत 27 लोगों को FIR में नामजद किया गया है। हम आपको बता दें कि इन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नीतीश कुमार सरकार को करनी चाहिए। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया है कि जितने भी उपद्रवी हैं सभी की पहचान करके इन सभी से पैसा वसूला जाएगा और पब्लिक के पैसे जो बर्बाद करने के लिए सड़कों पर आते हैं उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और एक एक करके उन सभी से हिसाब चुकता किया जाएगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि नागरिकता कानून के बारे में राहुल गांधी 10 लाइन बोलकर दिखा दीजिए। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा की ओर से ये चुनौती दी गई है। संसद के अंदर पारित नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर हो रहे प्रदर्शन के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हुए कहा है कि वोट बैंक के खातिर इस तरह के एक विशेष समाज के लोगों को उकसाने की कोशिश मत करिए। दरअसल दोस्तों, JP नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी इतना कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनको चुनौती देता हूं कि 10 लाइन वो केवल इस बात पर बोलकर दिखा दे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, यानी किसी बड़े नेता को भी नहीं पता कि ये एक्ट है क्या, लेकिन लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी पर ये जमकर निशाना साध रहे हैं JP नड्डा। दरअसल दोस्तों, JP नड्डा पश्चिम बंगाल के अंदर एक रैली को संबोधित करने के लिए जाने वाले थे लेकिन ममता बनर्जी सरकार की ओर से उनको अभी तक इजाजत नहीं दी गई है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में लगातार राजनीतिक लड़ाई जारी और भारतीय जनता पार्टी को उनके राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार ने रोकने का काम शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को पश्चिम बंगाल में रैली करने से रोकने के लिए ममता बनर्जी ने कई सारे कदम उठाए थे, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में पश्चिम बंगाल के बड़े हिस्से में लोगों ने वोट किया और 19 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी राज्य के अंदर दूसरी बड़ी पार्टी बनी है और केवल 3 सीटें कम है तृणमूल कांग्रेस से, जो साफ साफ इस बात के इशारे देते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मजबूत हो रही है। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पश्चिम बंगाल नहीं आने दिया जा रहा है ममता बनर्जी सरकार के द्वारा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक बार फिर से एक्सपोज करने की पूरी रणनीति के तहत काम कर रहे थे लेकिन विपक्षी लोगों ने इसे पूरी तरह से उल्टा पलट दिया। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि वह चाह रहे थे कि उनकी सरकार दुनिया को बताए कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों को मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है और उनको जबरन देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से भारत के अंदर ही विपक्ष ने इस मसले को लेकर सरकार के खिलाफ अफवाहें फैलाई और लोगों को सड़कों पर उतार कर कई जगह हिंसक प्रदर्शन करवाए हैं, उसके बाद यह सरकार जो चाहती थी उसके उल्टा ही जाता हुआ दिख रहा है। इसीलिए मोदी सरकार ने जो रणनीति बनाई थी उसको विपक्ष ने ही कहीं ना कहीं फेल करने की कोशिश की है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर है जहां पर प्रधानमंत्री ने बताया कि आज पूरे देश के साथ साथ दुनिया भर के सभी इस्लामिक देशों ने भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया है और भारत को पसंद करते हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC पर अपनी बातें रखी है। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए लगातार साजिशें चल रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी आज भी इस बात से तिलमिलाए हुए हैं कि आखिर मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर मुस्लिम देशों की ओर से समर्थन क्यों मिल रहा है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ही हमने प्रधानमंत्री पाकिस्तान को बुलाया था भारत के अंदर, लेकिन हमने रिश्ते सुधारने की कोशिश की बावजूद इसके पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया और उसकी धोखा देने की प्रवृत्ति लगातार जारी है। और यहां तक कि प्रधानमंत्री लाहौर चले गए जहां पर उन्होंने एक बार फिर से संबंधों को सुधारने की कोशिश की और पूरा इस्लामिक जगत समझ गया कि भारत की ओर से बहुत कोशिश की जा रही है लेकिन पाकिस्तान अपने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को खत्म करने के बिल्कुल भी मूड में दिखाई नहीं दे रहा। और इसीलिए भारत ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कह दिया है कि आतंकवाद पर बात होगी फिर किसी चीज पर बात होगी। और इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी भी ऐसे हालात हैं। और एक और बड़ी खबर है जहां पर बंगाल के मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया
गया है, जिसको लेकर अब लगातार सियासत गर्म हो रही है। दरअसल दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वापस नहीं लेने पर अमित शाह को एयरपोर्ट से नहीं निकलने देंगे, ये कहना है टीएमसी के नेता का। बंगाल के राज्य पुस्तकालय मंत्री जमीयत और जमायत उलेमाए हिंद के बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सिदाकुल्ला चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को वापस नहीं लिया गया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोलकाता हवाई अड्डे से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। रविवार को कोलकाता में सभा को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि सीएए को अविलंब वापस लेना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो अमित शाह को कोलकाता नहीं आने देंगे। यानी इस तरह के बयान दे रहे हैं ममता बनर्जी सरकार के अंदर मंत्री, और इन्होंने बयान देते हुए कहा है कि गृह मंत्री को कोलकाता नहीं आने देंगे, लेकिन जब गृह मंत्री आते हैं तो उन्हें किसी भी राज्य सरकार के प्रदर्शन की कोई के परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती है, और जब केंद्रीय नेतृत्व किसी राज्य के अंदर जाता है तो वह साफ तौर पर आसपास के इलाकों को पहले सैनिटाइज कराता है और फिर जाता है, और ऐसे में तमाम तरह की कोशिश करने के बावजूद केवल बयानों में ही ये बातें रहेंगी, जहां पर ममता बनर्जी सरकार के मंत्री इस तरह की टिप्पणी करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर है, जहां पर झारखंड के अंदर नागरिकता कानून और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाई है। दरअसल दोस्तों, झारखंड के चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं, जिससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आपके पास है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और बड़ी खबर है, रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एनआरसी के नाम पर देश में भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये कानून इस देश के अंदर 130 करोड़ लोगों से कोई भी दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सवाल किया है कि एनआरसी कांग्रेस पार्टी के जमाने में बनाया गया था, तब सो रहे थे क्या? उन्होंने कांग्रेस पार्टी से कहा कि एक बार कानून तो पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर दोहराता रवैया अपनाने का आरोप लगाया। हिंसा के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों को लेकर भी प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और इसी के साथ कई राज्यों के द्वारा ये कहना कि वह राज्य के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का समर्थन नहीं करेंगे, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, इस तरह की बयानबाजी ना करें, बल्कि अपने राज्य के अंदर जो आपके यहाँ लीगल एक्सपर्ट हैं, यानी जिनको कानून पता है, उनसे बातचीत करिए और पता करिए कि आखिर होता क्या है। यानी साफ तौर पर दोस्तों, कानून के तहत अगर सिटीजनशिप जैसे कानून पर केंद्र सरकार की ओर से कोई भी ऑर्डर जारी किया जाता है तो राज्य उसको मानने से मना नहीं कर सकता, और अगर कोई भी राज्य ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी वक्त सरकार के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर खुश हुए आर्टिकल 15 के निदेशक ट्विटर पर जानकारी दी है और प्रधानमंत्री की तारीफ भी की है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। उन्होंने देश भर के अंदर नागरिकता कानून को लेकर हो रही हिंसा, एनआरसी, मुसलमानों, विपक्ष और अर्बन नक्सल जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह देश भर के अंदर झूठ फैला रही है। रैली में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सीएए से मुस्लिमों का कोई संबंध नहीं है और उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद मशहूर निर्देशक अनुभव सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम आपको बता दें कि आर्टिकल 15 जैसी फिल्म बनाने वाले ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये खुशी की बात है, सबको ये बात माननी चाहिए। और एक और बड़ी खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से इस्लामाबाद के अंदर भी हाहाकार मचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री की हुंकार के बाद अब इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान बौखला गए हैं, जो लगातार देश को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं और इस तरह के बयान देते हैं जो साफ तौर पर भारत के खिलाफ होते हैं। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पाकिस्तान को लेकर इशारों में निशाना साधने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान एक बार फिर से भड़कते हुए दिख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, रविवार को दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में विपक्ष और पाकिस्तान के नापाक गठबंधन का पर्दाफाश हो गया। नागरिकता कानून पर देश भर के फैले अफवाह के भ्रम जाल को तोड़ने के साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष के भ्रम वाली राजनीति पर भी हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के हिंदुओं के जिस दर्द को हम दुनिया के सामने रखना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने उसे राजनीति के तहत पूरी तरह से नाकाम करने की कोशिश कर दी है। दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री का विपक्ष और पाकिस्तान पर वार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार पर विपक्ष चुप क्यों है। साथ ही विपक्ष का हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का फोल खोल रहा था तो विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है, ये सवाल प्रधानमंत्री ने पूछा है। और सीएए एनआरसी को लेकर मुस्लिम के एक वर्ग में भ्रम की स्थिति को लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, जहां पर मोदी सरकार का समर्थन करते हुए आरिफ मोहम्मद खान दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने राजीव गांधी के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, जब राजीव गांधी सरकार कुछ धर्म के ठेकेदारों के दबाव में झुककर कानून में ही बड़ा परिवर्तन कर दिया था। और इसी मामले को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि सीएए एनआरसी को लेकर मुसलमानों के एक वर्ग में पैदा किया जा रहा है खौफ, जो पूरी तरह से गलत है। दरअसल दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों का एक
बड़ा वर्ग है जिसको भ्रम में डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे उनको घाटा होगा।